उठाओ। स्वामी जी, सर्दी के मौसम में एक तो लोग पानी कम पीते हैं और सर्दियों में नसें जो है बर्थ उसमें स्टिफनेस बहुत आ जाती है, सख्ती आ जाती है, तो उनको जैसा लचीला कुदरत ने बनाया है वैसा लचीला वैसा नरम बनाए रखना बड़ा जरूरी है, इसके लिए क्या किया जाए? एक तो शीर्षासन और सर्वांगासन जो हमने बताए, फिर ये मकरासन और भुजंगासन, चलो सब लेटो, आज तो पूरा आनंद है। ये सब इंडिया टीवी से बहुत कुछ सीखे हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, आपको देख करके बहुत कुछ प्रेरणाएं ली है और सबने अपने नसनाड़ियों को मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन करके काफी अच्छा कर लिया है। एक और उपाय है, वह है अनुलोम विलोम। तो शीर्षासन के बाद पूज्य साध्वी देवप्रिया जी तो अनुलोम विलोम करेंगी। ये देवप्रिया भी है, ये योग प्रिया भी है, लंबे लंबे श्वास, ऐसे सबको योग को अपना प्रिय बनाना है। और जब योग प्रिय बनेगा हमारा तो सर्वलोक प्रिय बन जाएगा। लंबे लंबे श्वास, तो नस नाड़ियों के लिए मकरासन, फिर ये भुजंगासन, फिर शलभासन, फिर मरकटासन कराएंगे। चलो बच्चों ये करो। ये अपने साथ स्वामी जी रोज आप बच्चों को जरूर रखा कीजिए, बड़ी जबरदस्त स्क्रीन बड़ी प्यारी हो जाती है इससे। अरे कितने प्यारे प्यारे हैं वैसे भी, एकदम बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे। एक को मैंने बैठा लिया तो दूसरी रोने लग गई थी, रिद्धि को बैठाया तो निधि ने कहा मैं कौन सी कम हूं, मुझे भी बैठाओ, तो हमने उसको भी बैठाया। चलो ये करो बाबू, दोनों पैर पीछे से पकड़ो ऐसे। और ये तो ज्योत्सना और मीनाक्षी जी को भी माफ करने वाली है, बहुत शानदार, उनसे भी बड़ी योगिनी बनने वाली। उठाओ 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 ऐसे 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 ऐसे। हाँ छोटे छोटे बच्चे बाबू, और ऐसे चलो अब बैठ जाओ। हाँ, और बैठ करके अब आप तो यहाँ इधर बैठो। दोनों के सरों पे स्वामी जी खजूर का पेड़ भी है देखो। हाँ आगे झुको, और मरकटासन अब तो मंडूकासन ही करना, ठीक है, ऐसे करना। और ये मरकटासन ऐसे, ये भी बड़ा जबरदस्त है नसनाड़ियों के लिए ऐसे। और देखो छोटी सी जगह में हम चार योग कर रहे हैं, बड़ी बहन जी देवप्रिया जी, छोटी बहन जी रिद्धि जी, निधि जी, और इन सब का भाई, इन सब का बापू मैं भी कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है, इतना हो गया ना, इतने से ही नसनाड़ियां बहुत अच्छी हो जाती है। स्वामी जी बापू से याद आया, वो एक गाना था बापू सेहत के लिए बड़ा हानि, तू तो हानिकारक है, लेकिन यहाँ वाले बापू जो है वो सेहत के लिए बड़े फायदेमंद है। हाँ मैं बापू भी हूँ, मैं बाबा भी हूँ, दाढ़ी मूछ वाली माता जी भी हूँ, और माती रक्षती थी पिता भी हूँ, गुरु भी हूँ, हाँ कुल गुरु हूँ तुम्हारा, कुल गुरु भी हूँ, कुल वैद्य भी हूँ, और तुम्हारा कुल मित्र भी हूँ। हाँ मित्र भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, सखा भी होते हैं। लंबे लंबे श्वास देखो, ये सब रोज कर रहा है। और फिर ये अनुलोम विलोम तो नसनाड़ियों के रामबाण है, और नसनाड़ियों के लिए पांच सात बातें बताता हूं। मोरिंगा सबसे अच्छा है, क्या बोलो, मोरिंगा म्यूजिक ट्री बोलते हैं उसको आजकल। सहजना, सहजना के आप पूछ रहे थे ना घरेलू उपाय, होम रेमेडी, अनुलोम विलोम करो बाबू आप ये। और दूसरा मोरिंगा के अलावा नसनाड़ियों के लिए बहुत अच्छा हल्दी, क्या है बोलो, दूध में हल्दी थोड़ा चला दी तो उसके साथ अश्वगंधा शतावर ले लिया और सफेद मुसली ले लिया, 100 साल तक नसनाड़ियां ऐसी रहेंगी जैसे मेरी है, 100 साल भी ऐसे मिलेंगी आपको। हाँ फिर नसनाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है नर्वस सिस्टम के लिए अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीर।